आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। हैदराबाद के बंजारा हिल्स इलाके के एक स्कूल में बच्चों के दरमियान हुई लड़ाई में 15 साल मंजूर नामी तालिब इल्म की हुई मौत। यह वाकया कृष्णा नगर में वाक़ साई कृपा नामी प्राइवेट स्कूल में पेश आया। नाजरीन, स्कूल इंतजामिया का कहना है कि स्कूल के कमरे में खेल के दौरान तलबा के दरमियान झगड़ा हुआ और एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में मंजूर शदीद ज़ख्मी हो गया। लेकिन मंजूर के वालिदैन और अफराद ख़ानदान का कहना है कि ये बच्चों के झगड़े से नहीं बल्कि इंतज़ामिया की सोची समझी चाल है। मंजूर की वालिदा का कहना है कि स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से भारी मकदार में फ़ीस अदा करने को कहा था, लेकिन मंजूर की वालिदा ने 50,000 अदा करने की बात बताई थी। फिर उसके बाद से स्कूल इंतज़ामिया की जानिब से मंजूर को बार बार हिरासत किया गया और नौबत यहां तक आई कि बच्चे का इंतकाल हो गया। मंजूर की वालिदा ने इंसाफ का मुतालबा किया। ये बात भी सामने आ रही है कि स्कूल इंतज़ामिया मंजूर को शदीद ज़ख्मी हालत में अस्पताल ले जाने के बजाय वालदा को फ़ोन कर स्कूल आने तक इंतज़ार किया गया। अगर बरवक्त अस्पताल पहुंचाया जाता तो शायद मंजूर के बचने की उम्मीद थी। नाज़रीन, औलिया तलबा को चाहिए कि वह वक्फे से स्कूल जाते रहें और अपने बच्चों की तालीमी कारकर्दगी और शख्सी कारकर्दगी का जायज़ा लेते रहें, और इसी तरह स्कूल इंतज़ामिया भी तलबा की पूरी निगहदाश्त करे, क्योंकि माँ बाप आप ही के भरोसे अपने बच्चों को स्कूल में छोड़ जाते हैं और वो बच्चे जब तक घर वापस नहीं लौटते आपकी अमानत हैं। इस अमानत को संभालना आपका फरीज़ा है, और अगर कोई तालिबे इल्म स्कूल के माहौल को ख़राब करता है तो आप फौरी उसकी काउंसलिंग करें और वालिदैन को उसकी इत्तला दें। हर स्कूल इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अपने स्कूल के तलबा पर गहरी नज़र रखे, ताकि दोबारा ये वाक़िया रोनुमा ना हो जिससे किसी माँ बाप को तकलीफ़ हो। आइए डालते हैं इस खबर पर तफसीली नज़र। మీరు కొంచెం చెప్పి తీయండి, మీరెవరో చెప్పండి. మహనీయ हेल्दी बच्चा रेडी हो गया, दो मिनट में स्कूल में रहना, बेहोश होके गिर गया, उठ रहा है बोल के बोले तो मैं कहेंगे चक्कर आया बोल के बोले मान लिए, सो भोले भी नहीं लगा। मेरा बच्चा मेरे को आप इस्लाम को दे बोलो, मेरे इंसाफ करना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात। ये मेरा भतीजा है, मेरे भतीजे को जानबूझ के करे सो है ये बच्चे, स्कूल के बच्चे नहीं, स्कूल वाले करे सो है, जानबूझ के करे सो है बच्चे को, मेरे बच्चों को जानबूझ के मारने लगाए सो है, मार मार के बच्चे को ख़त्म करे सो है। मेरे को इंसाफ चाहिए, नहीं बोले तो पूरे स्कूल की पूरी पाट लगाने वाला हूँ मैं। 16 साल का बच्चा है मेरा। किस वजह से हुआ ये? ये बच्चे स्कूल में लड़ लिए सो है, बच्चे दो साल लड़ लिए सो है, ये लड़ लिए सो नहीं है, ये स्कूल वाले करे सो है, जानबूझ के स्कूल वाले करे सो है, लापरवाही से करे सो है। नहीं, अगर मेरे बच्चों को इंसाफ नहीं मिला बोल तो पूरी स्कूल की वार लगाने वाला हूँ। ऐसा क्यों लग रहा आपको कि ये स्कूल के तरफ से हुआ? फिर उसको क्या करे? फिर इससे पहले कुछ कंप्लेंट आई थी, इससे पहले कंप्लेंट आई सो है, पहले से बच्चों को समझा रहे तो बच्चे नहीं समझे सो है, ये जानबूझ के करे सो है। ये इंतकाल बच्चे मार लेके हुआ सो है, और न्यूज़ में ऐसा, एक जना फुटबॉल खेल के, एक जना वॉलीबॉल खेल के, एक जना बैट बॉल खेल के मार लिया,
एक जहाँ पूरे न्यूज़ में पूरा फेक न्यूज़ सुना रहे जो है, ये होना बोल के जानबूझ के करे सो है ये, ये 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 इसका इसका इंतकाल हुआ कैसा, किस चीज़ से मार लगा बच्चे से? बेंच को बोल के बोल रहे, बेंच को या वो पाइप लेके हमारे या बॉटल लेके हमारे क्या लेके हमारे अलग कोई चक्कर आके गिर गया बोल के बोल रहे, ऐसा गिरने से वैसा गिरने से बोल के बोल रहे नहीं, लेकिन ये बच्चे चार पाँच छः जने मिल के बच्चे को ख़त्म करे सो है ये जानबूझ के करे सो है, स्कूल में वाल कराए सो है, स्कूल से कराए सो है ये कंप्लेंट दिया आपको? जाओ स्कूल में, स्कूल के बारे में कंप्लेंट दिए सो है जुबली पी एस में। पुलिस कुछ एक्शन अभी क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी एफ आई आर हुई? अभी नहीं हुई, नहीं हुई अभी, होने वाली एफ आई आर नहीं हुई अभी, एफ आई आर नहीं हुई, केस बुक कर दिए सो। अस्सलाम वालेकुम, आज दोपहर में है सो अपना साई कृपा स्कूल में, कृष्णा नगर साई कृपा स्कूल में है सो मेरे एक भाई के बेटे को है सो चार जने बच्चे मिल के, सब जने चार बच्चे मिल के है सो मारे सो है। कोई बोल रहे हैं कि पेन के वजह से पेन के वजह से लड़ी हुई, कोई बोल रहा है कि क्रिकेट के वजह से लड़ी हुई, ये कुछ भी नहीं है, सब स्कूल का सार और टीचर जो भी मिल के ही है सो इन लोगों को बच्चों को भटका है सो है कि इन से लड़के है सो कुछ करना बच्चे से और लड़ी है सो अब से नहीं, एक 10-15 दिन से लड़ाई चल रही थी ये, तो चारों बच्चे मिल के क्या करे, एक बच्चा है सो कतर दिया यहाँ पर कतर दिया, एक बच्चा है सो गला दबा दिया, गला दबा के ऑलरेडी टीचर थी नीचे स्कूल में ही थी, टीचर भी कुछ भी नहीं बोली, बच्चे मार रहे तो भी दूसरे भी बच्चे भी थे कोई भी कुछ भी नहीं बोले, चार बच्चे मिल के है सो मार है सो है और है सो बच्चे को ढकल दिए, बच्चे को जैसा बच्चा गिरा बेंच का मार लगा बच्चे को और है सो ना स्कूल वाले, ये दोपहर में लंच के टाइम पे हुआ सो है, ये 12:30 को हुआ सो है, 12:30 बजे जैसे बेंच पे जब सर लगा तो उसी टाइम पे इंतकाल हो गया? नहीं, उसी टाइम पे हॉस्पिटल को भी नहीं लेके गए, खाली है सो बच्ची की अम्मी को फोन करके बोले कि बच्चा आपके बच्चे का ऐसा लड़ाई हुई कि बच्चा आपका 2 दिन से रोजा था, ये सब झूठे बात हम बोल रहे हैं, 2 दिन से बच्चा कुछ भी रोजे में नहीं था, आज भी रोजे में हूँ बच्चा बोल के बोली टीचर, चक्कर आके गिर गया। उनके वालदा है सो जब का जब है, जिंदा था, हॉस्पिटल को ले गए अपना कृष्णा हॉस्पिटल को ले लेके गए कृष्णा नगर पे, वो हॉस्पिटल वाला बोला कि हम लोग नहीं लेते, अपोलो हॉस्पिटल को ले लेके जाओ बोला, अपोलो हॉस्पिटल को ऐसा रनिंग में लेके गए, इंतकाल हो गया बच्चे का, ना टीचर आई ना स्कूल का प्रिंसिपल आया, कोई भी नहीं आए, ऑलरेडी है सो बांध में लास्ट में है सो पोस्टमार्टम के लिए जब लेके जा रहे तो जब आया स्कूल का एक सार आके क्या है देख लेके चले गया, अब स्कूल में हम जाके सीसीटीवी प्रोटेक्ट देखने के गए तो क्या ऑलरेडी पुलिस वाले आके वो ले लेके चले गए, ना पुलिस ना टीचर है ना स्कूल का सार है, स्कूल में कोई भी नहीं है, वो लोग भी चले गए, फुटेज भी नहीं दे रहे। हमारे को खाली इंसाफ होना है गवर्नमेंट से कि बच्चे को ऐसा उनके घर वालों को इंसाफ दिला दीजिए, बस उतना ही। बाबू के अला జరిగినందుకు మేము బాధపడుతున్నాము, మేము మాట్లాడుకోండి, మీరు ఇబ్బంది పెడుతున్నారు, మాట్లాడాలి అని ఏం జరిగిందో చెప్పండి. అంతే 12:15 వరకు లంచ్ టైం వరకు వాళ్ళ ఆఫీస్ రూమ్ ముందు క్లాస్ ఇంటూ కూర్చున్నారు, కంప్యూటర్ క్లాసు, క్లాస్ అయిపోయగానే పైకి లంచ్ కోసం అని క్లాస్ రూమ్ కి వెళ్ళారు, క్లాస్ రూమ్ లోకి వెళ్ళగానే బాబు పెన్ క్యాప్ విసిరాడు ఒక బాబు అని సిసి కెమెరా ఫుటేజ్ లో కనిపిస్తున్నది, డిజిటల్ క్లాస్ మీదకి విసిరాడు అని, విసిరితే ఎందుకు విసిరేమని బాబు ఆ బాబుని ఎందుకు విసిరేమని అడిగినట్టు అడిగితే ఆ బాబు నేను విసిరలేదు, అది నీ మీదకి విసిరలేదు పెన్ క్యాప్ అని బాబు చెప్తున్నాడు. ఒక్క నిమిషంలో బాబు బెంచ్ మీద తల వాలేసినట్టుగా కెమెరాలో కనిపిస్తున్నది, కెమెరా ఫుటేజ్ చూడక ముందు మాకు పిల్లలు వచ్చి చెప్పారు, అక్కడున్న అడ్మిన్ టీచర్కి బాబు మా బాబుకి నిన్న మొన్న ఉపవాసం ఉన్నాడంట, జగనేక రాత్ ఉన్నది, ఉపవాసం ఉండి జాగ్రత్త చేశాడంట మా టీచర్, వాడికి వీక్గా ఉందంటే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాడు అని చెప్పాడు. సరే పంపిస్తాను తీసుకురారా అని చెప్తే అప్పుడే మళ్ళీ బెంచ్ మీద బాబు తల వాల్చినట్టుగా కనబడుతుంది సీసీ కెమెరాలో, మళ్ళీ కనిపిస్తే టీచర్కి వచ్చి చెప్పాడంట బాబు మాట్లాడట్లేదు అని చెప్తే మళ్ళీ పైకి తీసుకుని వెళ్ళి బాబుని తీసుకుని వచ్చి హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్ళాము, హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్తే వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేశాము, ఈ హాస్పిటల్ కాదు వేరే హాస్పిటల్కి తీసుకెళ్దామని తీసుకెళ్ళారు. తీసుకెళ్ళిన తర్వాత మాకు ఇన్ఫర్మేషన్లో బాబు గురించి అలా రాగా మేము బాధపడుతున్నాము, చింతిస్తున్నాము. ఇక్కడ కృష్ణానగర్ సాయి కృపా స్కూల్లో
టెన్త్ క్లాస్ పిల్లలు చదువుకునే మధ్య వాళ్ళ చిన్న విషయంలో గొడవ జరిగి మన్సూర్ అనే అబ్బాయికి వేరే ఫైజానికి ఇద్దరు కలిసి కొట్టారు. దాంతో అతనికి స్లోబడి పడిపోతే హాస్పిటల్ తీసుకుపోతే అక్కడ చనిపోయినాడు. దీనిపైన డిఐ రమేష్, సెక్టార్ ప్రభాకర్ డిఎస్ఐ వీళ్ళందరూ కేసు దర్యాప్తు చేసి విచారిస్తున్నారు. పిల్లల మధ్య ఏముంటుంది, మామూలుగా చిన్న చిన్న ఉంటుండేది, వాళ్ళకి ఇంకా తెలియని వయసు అంతా మైనర్స్. ఏముందో మేము పరిశీలిస్తున్నాము. నేను కనుక్కోవడానికి వచ్చాను ఆ విషయాలను చూస్తాను. అదే మేము చూద్దామని వచ్చాను, అవన్నీ పరిశీలిస్తాను. ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఎంతమంది వస్తున్నారు ఈ కోవిడ్లో తెలియదు, అది తెలుసుకోవాలని ఇప్పుడు తెలుసుకోవాలి. అంటే ఇప్పుడు ఇప్పుడే స్టార్టింగ్ ఎవరిది నిర్లక్ష్యం కూడా చూడాలి, చూసి దాన్ని బట్టి మేము ఫర్దర్ చేస్తాం. ఏమన్నా మీరు చెప్తే తెలుస్తుంది, నాకు తెలియదు, ఇప్పుడు కనుక్కుంటాను. థ్యాంక్ యూ.